पूरे 4 साल बाद नवाज शरीफ आ चुके हैं पाकिस्तान। कल वो पहुंचे हैं अपने जलसे में हेलीकॉप्टर के जरिए दू करते हुए, और जलसे के अंदर उनके बालों पर बैठा है कबूतर। लेकिन नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आए हैं तो आवाम क्या सोच रही है इस बारे में, आए आवाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कि नवाज शरीफ आ चुके हैं। किधर है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। तो बेटा आप बताओ, जो नवाज शरीफ आया है यहाँ पे, आपको सुन के कैसा लगा? बहुत बुरा लगा, वही मर जाता वहीं पे सही था। नहीं नहीं, अभी जो हमें लग रहा है, नज़र जो आ रहा है, एक बड़े लोगों की ख्वाहिश थी कि उसका डब्बा आएगा या कुछ आएगा। बाबा बुल्ले शाह का शेर है कि बड़ा मशहूर शेर है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जन आप भी मर जाना है। अब नवाज शरीफ हो सकता है कि आने वाले दौर का प्राइम मिनिस्टर हो, नज़र आ रहा है ऐसा, तो आपको अपने बच्चों का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल डार्क फ्यूचर नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही कहा है भाई ने, हमें ही बहुत दुख हुआ है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा कंट्री में, कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई नवाज शरीफ के आने से? बिल्कुल खुशी नहीं हुई, मेरे को तो दुख हुआ। बल्कि डेवलप के दौर में फी बंदा 10,000 रुपये का मखलूस था, अब जाके वो 2-3 लाख रुपये फी बंदा मखलूस। आप भी जो है 2.5 लाख रुपये कर्जे में? आप भी 2.5 लाख रुपये कर्जे में? बिल्कुल है। और हम मुसलमानों पे तो ये है कि अगर हम अपना कर्जा नहीं उतारेंगे हमें कबर नसीब नहीं। नहीं वो ये ऐसा कर्जा नहीं है, क्या हुक्मरान लूटामारी करते रहे और हम लोग जो है वो उनका बनना बढ़ते रहे, ऐसा नहीं होता। सर नवाज शरीफ आ गया है, कैसा लगा सुन के आपको? बहुत अच्छा लगा है, शुक्र है अल्लाह का, पहला बंदा मिला जिसको अच्छा लगा है। सर आपको कैसा अच्छा लगा है? बहुत उसने काम किए हैं। अपने बालों में कलर कहाँ से करवाया? नाई से। नहीं नहीं, वो तो करवाया नाई से। मतलब ये कलर का नाम क्या है? कलर ब्लू, देख लेना। तो बाल टूटते वगैरह नहीं? नहीं नहीं। मतलब पसंद आते हैं लोगों को ये बाल आपके? किसी को पसंद आता है, किसी को बुरा लगता है। भाई नवाज शरीफ आ गया है, सुन के कैसा लगा आपको? बहुत बुरा हो गया भाई। ये आवाम खुश क्यों नहीं है? बस वो चोर है, जाहिर बात है, चोर है, मुर्दार इंसान है। अच्छा नहीं लगते मुझे। आपको भी अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगते नवाज शरीफ। तो फिर वो आया क्यों है? नहीं लगते भाई साहब, आप लोगों के लिए तो आया है। मेरे के लिए नहीं आया भाई साहब, ये सब चोर है। आपको कैसा लगा नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गया है? अच्छा नहीं लगा। आपको भी अच्छा नहीं लगा? अभी तारा का कीमत है 20 रुपया। आने वाला साल पे अगर कोई नवाज शरीफ के जगह में कोई हुकूमती करे तो वो कर देगा 30 रुपया, तो हम गरीब तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो आखिरी उम्मीद आपको नवाज शरीफ ही लग रही है? इंशाल्लाह। इसके बारे में एक शेर भी हो जावे? हाँ सुन रहे होंगे शायद वो। आँख सूरज पर होती है, जलना इस जमीन को पड़ता है, मोहब्बत निगाहें करती है, तड़पना इस दिल को पड़ता है। एक कोई वैसा बंदा बताए जो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मुल्क में 4 चांद लगे। बस ये नवाज शरीफ ही है। बस नवाज शरीफ? बस नवाज शरीफ है और कोई नहीं। हम नवाज शरीफ को कहेंगे, बात करेंगी। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं? हाँ मुझे पता है, चोर आ गया वापस। नहीं, चोर एक नंबर का, पहले भी 3 दफ़ा पाकिस्तान को लूटे और अभी फिर लूटने के लिए आ गए। क्या दिया नवाज शरीफ ने आज तक आपको? क्या दिया हमें? क्या दिए? नहीं वो जो कल लोग जलसे में गए ना, तो उनको बिरयानी दी। सारे बिरयानी खाने गए थे, पैसे लेने गए थे। लेकिन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर लग रहा है ऐसा कि नवाज शरीफ ही है। लग रहा है? हाँ। आएगा? नहीं नहीं आएंगे। नहीं लग रहा है ना आपको? आना भी नहीं चाहिए। हाँ बेटा आना भी उसे नहीं चाहिए। क्या आपने कबूतर आगे जो सर पे बैठा है नवाज शरीफ के कल? हाँ वो बस उसकी गिनाह की सजा है। सजा है वो? जी सर बिल्कुल सजा है। कैसे सर? वो अगर एक ठुंगा मारता कल अल्लाह ना करे वो मर सकता। उसको कबूतर को भी इतना मोहब्बत था उसका सर, अगर उसने बीट कर दी होती तो नवाज शरीफ के ऊपर। कबूतर खुद आया था या उड़ाए गए थे? तो अभी ये तो हमने नहीं देखा कि उड़ाए गए हैं या खुद आए हैं, लेकिन वो 3-4 कबूतर बिल्कुल बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर, तो बाद में उनको दोबारा उड़ाया गया, उनको बाहर निकाला गया। खुद लेकर आए थे पर भी कटे हुए थे, वो भी तो देखो उड़ ही नहीं सकते थे, थोड़ा सा एक छलांग मारे फिर गिर जाए कबूतर। कबूतर के पर कटे हुए थे? हाँ कटे हुए थे। हाँ कटे कैसा आया फिर? पर कटे हुए थे। अरे वो बराबर में बैठा हुआ था, वो उधर टेबल पे बैठा हुआ था, आके माइक पे पास आया पहले। या साहब के सर पे क्या तूने रख दिया था? नहीं नहीं अभी इतना तो है, तू किसी के पर काट लेना वो उठ के जंप मार के आ सकते है। कौन कहता है तूफान आया तो हम डर जाएंगे? कौन कहता है तूफान आया तो हम डर जाएंगे? हम तो एक कारकुन है जो मियां साहब के नवाज शरीफ के जलसे में जाकर भी पूरे इस्तकबाल के तरीके से गुजर जाएंगे। आपको खुशी हो रही है? कल आपको टीवी पे देख के कैसा लगा नवाज शरीफ? सही लगा। आपको लगा कि क्या आया? शेर आया।
नवाज शरीफ शेर है जी हाँ। मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, मेरे को ये भी देखना चाहिए कि मेरा गिरवान साफ है या गंदे। अभी तो फिलहाल गंदा ही हो रहा है, ये भी मेरे को देखना चाहिए जो चीज है। अगर नवाज शरीफ कराची में आके जलसा करेंगे आप जाओगे उसमें? बिल्कुल नहीं जाएंगे, उस दिन पकौड़े का ढीला लगा के बैठेंगे। आप जाएंगे? नहीं नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं अपने नौजवानों के लिए वापस आया हूँ। नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी आ जाए तो और बेहतर है। आपको पता है पीपल्स पार्टी जान नहीं छूटनी, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने 15 सालों में शहर का, सिंध का। नहीं, बिलावल भुट्टो नया है, क्या पता कुछ कर जाए। नहीं कुछ नहीं करेगा, जो उसके बाप ने किया, जो जो आपको पता है मिस्टर 10% क्या थे, वही वो कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क कर दिया शहर का। कॉर्पोरेट मार्केट में आग लगी थी, आपने देखा था? बिल्कुल देखा था। इमरान खान ने सही किया था भाई, नाम लेना मना है। किंग्स ने सही किया था जी हाँ। माई कंट्री लव यू नवाज शरीफ, पाकिस्तान कंट्री माई लव जी हाँ। भाई से भी पूछते हैं ना, समझदार लग रहे हैं सर। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं 4 साल बाद, कैसा लगा सुन के आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम जी हाँ। और नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं, कैसा लगा आपको सुन के? बिल्कुल अच्छा। आपको अच्छा लगा है जी? और शुक्र है यार, कोई तो बंदा मिला। हाँ, मतलब आपको क्या लग रहा है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? अच्छा नहीं बनेगा फिर वो आएगा तो, मतलब वो आए पाकिस्तान आपको अच्छा लगा अच्छा, लेकिन आप ये चाह रहे हैं फ्यूचर करेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो फड़नी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? नहीं क्यों? बस ऐसे ही महंगाई उसकी वजह से ज्यादा हो गई ना। तो आने में फिर अच्छी चीज क्या लगी आप? वो इंसान है, घूम फिर सकता है इसलिए। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि घूम के वापस चले जाएं? हाँ। नवाज शरीफ आ गए पाकिस्तान, आप लोगों के लिए आए वो जी? आ जाए नवाज शरीफ, आ जाए हम तो खुश हैं, आ जाए नवाज शरीफ। आपको अच्छा लगा वो आ गए? बिल्कुल अच्छा लगा, आ जाए अभी, आ जाए हमारे साथ आ जाए। नहीं नहीं, वो अभी नहीं आएंगे, वो जो है वो बोल रहे हैं मैं अपने लोगों के लिए वापस आया हूँ। हाँ बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए। आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? नवाज शरीफ जी, दादाजी जी हाँ। अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जी, बन जाते, तो आपको लग रहा है कि मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे? मुल्क इससे भी बदतर हो जाएगा और गरीब और भी भिखारी हो जाएगा और भीख मांगेगा, जो बच्चा कुछ है वो भी लूट के ले जाएगा ताकि मरियम नवाज उस पे मेकअप करे, अपने लिए कपड़े खरीदे। नवाज शरीफ को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आना तो नहीं, उसको तो यार दुनिया में भी रहना नहीं चाहिए, बट वो रह रहा है, क्या कर सकते हैं। नवाज शरीफ आ गया, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, नो मीडिया प्लीज। बारिश आसमान से होती है जमीन से नहीं, मोहब्बत नवाज शरीफ से होता है दौलत से नहीं जी हाँ। बस ये बता देंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन नजर आ रहा है आपको? देखिए अभी तो मुझे इलेक्शन होते हुए ही नहीं नजर आ रहा है, सीधी बात है। और अगर अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन गए और फिर प्लेटलेट्स गिर गए, तबीयत खराब हो गई, फिर हमारा क्या हुआ? नहीं नहीं, तबीयत खराब नहीं, अभी देखो ना महंगाई उरूज पे चली गई, अभी ये महंगाई नहीं चाहिए, यही आवाम कहेगी नवाज शरीफ आए जी हाँ। हमारे आँखों के अफसाने हमें ना सुनाओ, हमारे आँखों के अफसाने हमें ना सुनाओ। अजान हो रही है, थोड़ी देर रुक जाओ।